अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटायरली डिफरेंट है प्रीवियस जो हमने पेजेस में प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था। सिंपल वो इमोशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी, टाइप्स ऑफ वेव मोशंस पढ़ी। तो लेकिन आज जो हम क्या पढ़ रहे हैं, भला हम एक्सपेरिमेंटली एक डिवाइस के बारे में पढ़ने लगे हैं जो कि हमारे पास वेव्स की बिहेवियर को हमें दिखाएगा, बाकायदा हमें दिखाया जाएगा। ठीक है, उसका ऑपरेटर का नाम क्या वाला, उसको रिपल टैंक कहते हैं। रिपल टैंक क्या वाला, इट इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी इट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वाटर वेव्स को हमारे पास जनरेट करवाने में हमारे पे हेल्प करेगा और उसके बाद हमें दिखाने में इसको हेल्प करेगा, स्टडी करने में हेल्प कर रहा होगा। इसके प्रैक्टिकल के इसके सामान में देखें, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो इसमें एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, ग्लास बॉटम होता है जिसका, एंड इज प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सर्फेस ऑफ अवर टेबल। ये एक टेबल पे पड़ा होगा जिसके ऊपर, और इसमें एक जो सा ना वो ग्लास ट्रे पड़ा होगा ज़मीन से तकरीबन हाफ मीटर ये ऊपर होगा। इसके अलावा वेव्स वहाँ पर वेव्स के साथ प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर क्या लगाया गया, एक वाइब्रेटर लगाया गया। ये एक वाइब्रेटर लगाया गया, इसका कुछ पोर्शन पानी के अंदर अटैच होगा और कुछ पोर्शन उनसे वो बाहर की तरफ उनसे वो निकला होगा। साथ में एक पावर सप्लाई दी जाएगी, उसके ऊपर एक लैंप लगाया जाएगा। लैंप लगाने का मकसद क्या होगा कि हमारे पास जो वेव जनरेट होंगे वो हमारे पास नीचे ग्लास पेपर पे, ग्लास के नीचे हमने एक पेपर लगाना है, उस पेपर पे हमें उन वेव्स का शेडो नज़र आएगा। जो बल्ब ऊपर लगाने से, लैंप ऊपर लगाने से बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम सूरज के नीचे खड़े होते हैं तो हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है, इस तरह जब हमारे पास लैंप हम लगाएंगे तो वेव्स का जो साया होगा वो नीचे पेपर पर पड़ रहा होगा और हम पेपर पर क्या करेंगे उन वेव्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट over the tray such that its lower surface just touches the surface of water। पहले भी हमने बताया, अभी बात की है कि इस वाइब्रेटर का खासियत क्या है, इसका कुछ पोर्शन पानी के साथ टच हो रहा होगा और कुछ ज्यादा हवा में होगा। On set of the vibrator on this wooden plate starts vibrate to generate water waves through the water wave consisting of the straight wave fronts in electric bulb is if an electric bulb is hung above the tray to observe the image of the water waves on the paper or screen। मैंने आपको पहले भी बताया कि उस ग्लास ट्रे के नीचे बॉटम पे जो उनसे हमने एक पेपर लगाया हुआ है, वो पेपर क्या करेगा, भला हमारे पास उन वेव्स के शेडी को, उनको वेव्स को देखने में हेल्प कर रहा होगा। The crest and trough of the waves appear as a bright and large lines respectively on the screen। हाँ जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की लाइन जो सब पेपर की वहाँ पे जनरेट होगी, जो हमारे पास कुछ डार्क कलर्स में वेव्स जनरेट हो रहे होंगे, कुछ वहाँ पे स्पेसेस होंगी तो कुछ वहाँ पे जो डार्क कलर्स होंगे वो आपके पास क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और जो वाइट पोर्शन होंगे हमारे पास वो ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और हमने लैम्डा पढ़ा था, वो क्या था, भला दो क्रेस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान रिस्पेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान का जो फासला उसको लैम्डा कहते हैं। तो ये उसने लैम्डा भी डायग्राम में साथ में डिफाइन कर दिया। ये हमारे पास सारा टॉपिक था कि हमने कैसे जो सा वो रिपल टैंक को रखना है। रिपल टैंक में कोई भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक पूरा एक अपरेटस बनाया हुआ है, प्री प्लान्ड अपरेटस है जिसके जरिए हमने क्या करना है, वेव्स को ऑब्जर्व करना है। अब देखते हैं कौन कौन से जो सा वो कैरेक्टरिस्टिक जो सा हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपल टैंक में एक बैरियर लगाएंगे। बैरियर लगाने से क्या होगा, दैट वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब आगे बैरियर लगा होगा तो वेव्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। आपको पता है रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी हुई है, प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस की हुई है कि लाइट में एक रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो बाउंस बैक कर जाता है, लेकिन वेव्स वाटर वेव्स में भी तो वो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये बाउंस बैक कर देंगी और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो जनरेट होकर जो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर हम इसके वेव्स की रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पे बात करते हैं तो कहता है व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम दे बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे फॉल करेंगी, बाउंस बैक करेंगी, टकराएंगी तो वहाँ पे वो बाउंस बैक करके वापस पहले मीडियम पे आ जाएंगी और इस तरह से आएंगी कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपने ध्यान किया होगा, गौर किया होगा, ये वही डेफिनेशन है जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, भला यहाँ पे वाटर वेव्स को डिस्कस किया जा रहा है तो यहाँ पे वाटर वेव्स का नाम लिया गया है।
मशीन इसका बिहेवियर चेक करने के लिए हमने क्या किया बोला, अब हमने इसकी स्पीड चेक करनी है कि जनाब इसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हम अगर रिपल टैंक की लेंथ डेप्थ को चेंज करते हैं तो क्या हमारे पास इसकी स्पीड पे कोई फर्क पड़ता है वेव्स की। द स्पीड ऑफ द वेव इन द वाटर वेव डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर इफ अ ब्लॉक इज समर्ज इन द रिपल टैंक। अब हमने क्या किया, उसकी रिपल टैंक के एक पोर्शन में हमने एक ब्लॉक लगा दिया। ऑब्वियसली इस ब्लॉक के लगाने से क्या होगा बोला, रिपल टैंक की जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, कम होगी। लाइक दूसरे पोर्शन में वेव्स की जो मूवमेंट थी वो कुछ और तरह की थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसकी डेप्थ कम होगी तो वेव्स की मोशन जो था, मूवमेंट जो था, वो किसी और तरह की हो गई है। अब यहाँ पे दो तरह की सर्फेसेस बन गई हैं, एक बन गई हमारे पास डीप सर्फेस और एक बन गई है शैलो सर्फेस। तो होता क्या बोला, इफ अ ब्लॉक इज समर्ज इन द रिपल टैंक द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक विल बी शैलो ओवर द ब्लॉक देन द एल्सवेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ और तरह का स्ट्रक्चर है, वेव्स का डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शैलो वेव्स नजर आ रही हैं और वहाँ पे जो है वो डीप वेव्स नजर आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे डेप्थ जो है वो कम है। व्हेन द वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ द शैलो वाटर देयर वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे एंटर होंगी तो इससे क्या होगा, इनकी इस पोर्शन में एंटर होने के बाद, यानी कि शैलो वाले पोर्शन में एंटर होने के होने से उसकी वेवलेंथ में डिक्रीज आ जाएगा। जब वेवलेंथ में डिक्रीज आएगा, हमने एक फॉर्मूला बना था, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब वी जब वेवलेंथ में डिक्रीज आएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी में क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमने वेव जो जनरेट कर रहा है वो कौन वाला जनरेट कर रहा था, वो लैम्डा जनरेट सॉरी वाट मोटर वेव जो थी, जो हमने मशीन लगाई थी मोटर, वो वेव जनरेट कर रही थी। इसका मतलब है लैम्डा पे जो चेंजिंग आएगी, लैम्डा का जो रिलेशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा, स्पीड के साथ। अगर ये हमारे पास चेंज होगा तो उसका ताल्लुक होगा इसके साथ, वेव के साथ, जबकि फ्रीक्वेंसी के साथ इसका फर्क कोई लेना देना नहीं है। इसकी वजह क्या बोला, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही है उस मोटर के साथ, क्योंकि मोटर हमने एक ही लगाई हुई है, तो थ्रू आउट द सरफेस जो है वो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी दोनों केसेस के अंदर। अब हम तीसरी इसमें प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्शन। अभी पहले हमने पढ़ी रिफ्लेक्शन की, फिर हमने पढ़ा इनकी स्पीड की, तीसरी जो ऑब्जर्वेशन हमने चेक की वो की बोला रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कैसे बोला कि वो द फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव वो रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमने इसी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया, यानी कि एक जगह पर हमने उसकी डेप्थ कम कर दी रिपल टैंक की और एक जगह बाकी पोर्शन में जो था वो टैंक वैसे ही था, तो हमने इसी पोर्शन को दोबारा डिवाइड किया, लेकिन सच डेट द बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड द शैलो वाटर इज एट सम एंगल ऑफ द वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट के सामने जो वेव सामने की तरफ से पड़ रही है उनके दरमियान हमने जो दोनों में दोनों फासला यानी कि चेंज कर दिया, कुछ एंगल पे रख दिया, यानी कि अब हमने जो ऑब्स्टेकल लगाया है जिससे हमने उसकी डेप्थ कम की है वो हमने किसी सम सॉर्ट ऑफ एंगल पे किया। जब एंगल पे किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की वेव्स आना शुरू हो गई। अब वेव्स इस तरह से कैसे जा रही, लाइक पहले वो किसी और फॉर्म में आ रही, लेकिन जैसे ही वो ऑब्स्टेकल बीच में है उनका कुछ एंगल चेंज हुआ, वहां से वेव्स की आपको नजर आ रहा होगा एंगल्स के और हैं चेंज होना शुरू हो गए और इसी को क्या कहते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। अगर हम वेव्स की रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को देखें तो वो भी हमारे पास कुछ इस तरह से कहता है, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल चेंजेस, इनकी जो होगी डायरेक्शन की हो जाएगी भला चेंज हो जाएगी, यानी कि जब वेव जो होता है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होंगी, यानी कि शैलो वाटर से डीप वाटर में या डीप वाटर से शैलो वाटर में ट्रांसफर होंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, वेव्स की जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। जो थर्ड पोर्शन है इसी टॉपिक का वो हमारे पास क्या बोला, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या बोला, एक नई एक्टिविटी है ये, हमने पहले किसी क्लास में अभी तक नहीं डिस्कस किया हुआ था, तो डायफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। वो कहता है बोला क्या, द बेंडिंग ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। कि हम क्या करते हैं बोला, अगर जो वेव्स ट्रैवल कर रही थी उनके रास्ते में हमने कुछ स्लिट्स लगा दी, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ रुकावटें लगा दी, तो उसके रुकावटों के रास्ते में क्या होगा बोला, उनके एजिस से क्या होगा बोला, वेव्स जो सब कॉर्नर की फॉर्म में एजिस की फॉर्म में मूव करते हुए आपको नजर आ रही होंगी, जिस यानी कि वो स्ट्रेट वेव्स जो था वो सर्कुलर वेव्स की फॉर्म में आपको नजर आ रही है, ये ट्रैवल करना शुरू कर दी है, इस प्रोसेस को डायफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि अगर हम इनके दरमियान जो स्लिट्स हैं इनका फासला कम या ज़्यादा करते हैं तो हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो वो ये कहता है जी, नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ द डायफ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेव्स जनरेटेड स्ट्रेट वेव्स इन अ रिपल टैंक एंड प्लेस टू ऑब्स्टेकल इन लाइन सच अ वे दैट द सेपरेशन बिटवीन देम इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वाटर वेव्स। हमने इसकी जो सेपरेशन रखनी है वो इतनी है जितनी हमारे पास उस वेव्स की वेवलेंथ है।
अब जब वो इसमें से पास करेंगे तो क्या होगा बोला, आफ्टर पासिंग थ्रू इट अ स्मॉल स्लेट बिटवीन द टू ऑब्स्टेकल द वेव्स विल स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन एंड चेंज इन टू ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर पैटर्न। अब स्ट्रेट वेव्स क्या होगी बोला, वो सेमी सर्कुलर पैटर्न में यानी कि सर्कुलर वेव्स में बनना ट्रेवल करना शुरू कर गए। डायफ्रेक्शन ऑफ वेव कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव सच एज शोन द फिगर। आपको नजर आ रहा होगा इस पिक्चर के अंदर कि कैसे आपको वेव जो था वो क्लियरली डिफाइंड हो रही है, कैसे एक स्ट्रेट वेव जो रिपल टाइम में जनरेट हो रही थी हमने उनको राउंड फ्रेम में या सेमी सर्कुलर वेव में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम क्या करें बोला, ओनली अ स्मॉल डायफ्रेक्शन अकर व्हेन नियर द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टेकल, कौन बहुत कमाल बहुत छोटी जो वेव्स होंगी वो वहाँ पे जनरेट हो गई, जिस इस तरह वो ऑब्स्टेकल से दूर जाता जाएगा सर्कुलर वेव्स के जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे बोला, इन ऑब्स्टेकल्स का जो फासला है वो ज़्यादा करते जाएंगे तो जो वेव्स हैं उनकी सर्कुलर जो पोर्शन था वो क्या हो जा रहा, आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमारे पास टॉपिक था रिपल टैंक का, देन हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और देन डायफ्रेक्शन। टॉपिक में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने लेक्चर के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।